बाराबंकी जनपदीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर इन दो महोदय को देख कर हम एक पल के लिए हैरान हो गए और वाकई में आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जिस वजह से ऐसे खड़ा होना पड़ा। फिलहाल इन्होंने अपनी समस्या बताई और खास तौर से बाराबंकी जनपदीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कार्रवाई की मांग कर रहे कि भाई साहब अगर हम गलत हैं तो हमें जेल में डालिए और अगर विपक्षी गलत हो तो उसे डालिए। फिलहाल इनकी समस्या कैसी है और किस कदर से गुहार लगा रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए, तभी तो पूरा मामला जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चंद्रशेखर है। किस गांव के निवासी हो? हम पूरे देव का पश्चिवारीपुर थाना राम से निकल। क्या है मामला पूरा? मामला सर मेरी शादी का है। सर मेरी शादी 12 मार्च 2020 को हुई थी। सर मेरी शादी में जयमाल के समय लड़की पक्ष वाले ने विवाद कर दिया था और सुबह टाइम उन्होंने विदाई नहीं की, कहने लगे हम 6 महीने बाद गाउन देंगे। लेकिन उसके बाद हमें 3 दिन बाद दरियाबाद थाने 17 मार्च को बुलाया गया। हम 17 मार्च को जब दरियाबाद थाने गए तो वो कहने लगे हम लड़की विदा नहीं करेंगे, हम सुलह करेंगे। तो हम सुलह पे भी तैयार हो गए, लेकिन हमने कहा हम सुलह हम कोर्ट में करेंगे, जहाँ पर नहीं करेंगे थाने। तो 19 मार्च को हमने सुलह समझौता कोर्ट में केस दायर किया और 19 मार्च को उन्होंने भी किया, लेकिन उनका खारिज हो गया। और उसके बाद 20 मार्च को मेरे ऊपर दाज दहेज घरेलू हिंसा और गुजारा का केस कर दिया उन्होंने। और उसके बाद जब फिर भी उन्होंने हमारे पास सुलह समझौता के लिए भेजा आदमी के जहाँ पे थाने में सुलह कर लो, हमने थाने में नहीं सुलह किया तो उन्होंने 156(3) का मेरे भाई के ऊपर बलात्कार का केस दायर कर दिया। और जो केस दायर कर दिया तो उसमें SSI ने विवेचना करके और दिखा दिया कि विदा होकर गई थी और मेरे भाई के ऊपर 76 और 323 का मुकदमा दर्ज कर दिया। और सर जो हमारे घर लड़की विदा होकर आई ही नहीं, हमने उनको पूरे प्रूफ दिए, तो ये 76 का मामला कैसे हो गया? ये घटना 23 मार्च 2020 की दिखाई गई है रात को 12 बजे कि मेरा भाई मेरे कमरे में घुस गया और मेरी औरत को पकड़ लिया। जब मेरी औरत मेरे घर ही नहीं आई सर तो बलात्कार कैसे हो गया? जो विदाई तो हुई नहीं तो वो किस माध्यम से हमारे घर आई? यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया तो क्या आश्वासन मिला आपको? सर हमें आश्वासन तो दिया गया है कि आपके साथ न्याय होगा, इसकी CO साहब को जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं।